देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। भारत और सिंगापुर के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से दूसरी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा। प्रधानमंत्री ने इसे बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम बताया। और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 8 सितंबर तक मनाया जाएगा राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं दिबागनी। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम और उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार सभी को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आदर्शों के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर बनी रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। इधर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में आज कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। इस दौरान श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। भारत और सिंगापुर के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से दूसरी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में होगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव इस बैठक में भाग लेंगे। ये चारों मंत्री सिंगापुर के अन्य नेताओं से भी मिलेंगे। इस गोलमेज सम्मेलन का आरंभ भारत और सिंगापुर के आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए किया गया है। इसका उद्घाटन सितंबर 2022 में नई दिल्ली में किया गया था। इसकी दूसरी बैठक में दोनों पक्षों को अपनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ वे इसे और आगे बढ़ाने तथा विस्तार देने के लिए नए रास्तों की पहचान करेंगे। भारत और सिंगापुर के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से दूसरी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में होगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव इस बैठक में भाग लेंगे। ये चारों मंत्री सिंगापुर के अपने समकक्षों और वहां के नेतृत्व से मिलेंगे। इस गोलमेज सम्मेलन का आरंभ भारत और सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए किया गया है। इसका उद्घाटन सितंबर 2022 में नई दिल्ली में किया गया था। इसकी दूसरी बैठक से दोनों पक्षों को अपनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ वे इसे और आगे बढ़ाने तथा विस्तार देने के लिए नए रास्तों की पहचान करेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने सिंगापुर में आज वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FTF के अध्यक्ष टी राजा कुमार से भेंट की। श्रीमती सीतारमन ने श्री कुमार को उनके सफल कार्यकाल को पूरा करने पर शुभकामनाएं दी। दोनों ने FTF के भविष्य और संगठन में भारत की भूमिका पर विचारों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका की अपनी यात्रा के अंतिम दिन कल राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय का दौरा किया तथा टेनेसी के मैसफिक में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की। मैसफिक, एटलांटा और नैशविल में भारतीय मूल के लोगों से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने भारतीय समुदाय की उपलब्धियों के साथ समाज विज्ञान और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच एक जीवित सेतु के रूप में भारतीय समुदाय का उल्लेख किया। श्री सिंह ने कहा कि भारतीय समुदाय के लोग दोनों देशों के बीच निकटतम संबंधों और सद्भावना को बढ़ावा दे रहे हैं।
केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि नए जिले हर कोने में शासन को मजबूत करके लोगों को मिलने वाले लाभों को उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने के फैसले की सराहना की है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। श्री मोदी ने कहा कि जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग पर अब अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे सेवाएं और अवसर लोगों के और भी करीब आएंगे। उन्होंने लद्दाख के लोगों को बधाई दी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हे गर्ल्स, हाय, कांग्रेचुलेशंस, आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगले खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव पंकज शर्मा ने बताया कि इस योजना में न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को आखिरी के 12 महीने के मूल वेतन के औसत की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। देखें तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसका एक फीचर था डिफाइंड बेनिफिट। जब आप रिटायर करेंगे तो आपको 50% आपकी जो आय है उसका आपको वो आपकी पेंशन बनती थी। और जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसमें आपकी जो एक फ़ीचर था वो था डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, लेकिन इसके साथ साथ आपका बेनिफिट डिफाइंड नहीं था कि कितनी आपकी पेंशन बनेगी। इसको हम लोग एकीकृत या यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें इट इज़ फुल्ली फंडेड डिफाइंड बेनिफिट, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। मतलब कि ये स्कीम पूरी तरह से कॉन्ट्रीब्यूटरी भी है जो कि एक NPS का फीचर था, और इसमें बेनिफिट भी डिफाइंड है जो कि एक OPS का फीचर था। तो इसका जो एक बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि हम लोग अपफ्रंट बजट के अंदर पूरा प्रोविज़न कर पाएंगे कि कितना कितना जो है इसमें हमको इसमें प्रोविज़न करना है, अपफ्रंट प्रोविज़न करेंगे इसके अंदर। और उसी के साथ हम लोग जो है जो कर्मचारी हैं उनको हम लोग एक पेंशन 50% एश्योर कर पाएंगे। मानव सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाली स्नेह, त्याग और करुणा की प्रतिमूर्ति नोबेल पुरस्कार विजेता संत मदर टेरेसा की आज जयंती है। भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। मदर टेरेसा का नाम लेते ही मन में दया के भाव जाग जाते हैं। उन्होंने दुनिया के बच्चों की सेवा अपने बच्चों की तरह की, जिंदगी भर जरूरतमंद लोगों की सेवा कर अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। उनका जीवन मानवता की सेवा की मिसाल है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। गरीबों की सेवा करने के लिए उन्होंने 24 मई 1937 को नन बनने की प्रतिज्ञा ली और उन्हें मदर की उपाधि दी गई। इसके बाद वो पूरी दुनिया में मदर टेरेसा के नाम से विख्यात हो गईं। 1947 में भारत पाक बंटवारे के दौरान उन्होंने कई लोगों की मदद की। बंटवारे में परिवार से बिछड़ गए बच्चों को पनाह दी। उन्होंने बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके सभी के लिए प्रबंध किया। बाद में उन्होंने 6 महीने की बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग ली ताकि जरूरतमंदों को समय पर उपचार मिल सके। 1948 के दौरान उन्होंने भारत के स्लम क्षेत्रों में रहकर खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे लोगों की सेवा की। स्लम क्षेत्र में गंदगी के बीच रहना आसान नहीं था, लेकिन वहीं रहकर उन्होंने लोगों की सेवा की। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार के रूप में उन्हें
$1,92,000 की धनराशि मिली, जिसे उन्होंने गरीबों की सेवा में लगा दिया। 7 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और चैरिटी को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था निर्वस्त्र, भूखे, बेघर, विकलांग सहित अन्य बेसहारा लोगों का सहारा बनना। इस चैरिटी की स्थापना मात्र 13 लोगों के साथ की गई थी, लेकिन उनके निधन के वक्त यह संख्या 4000 के करीब थी। वर्तमान में 4000 से अधिक सिस्टर्स असहाय लोगों की सहायता कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। नेत्रदान को महादान कहा जाता है, क्योंकि इस दान से दृष्टिहीन लोगों को दुनिया देखने का मौका मिलता है। लेकिन सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के चलते ये डर और भ्रम के कारण लोग नेत्रदान करने से डरते हैं। वहीं जो लोग ऐसा करना भी चाहते हैं, वे नेत्र प्रत्यारोपण से जुड़ी जरूरी जानकारियों के अभाव में वे नेत्रदान नहीं कर पाते हैं। भारत में नेत्रदान के बारे में आमजन में जागरूकता बढ़ाने, उससे जुड़े भ्रमों की सच्चाई से लोगों को अवगत कराने के साथ ही लोगों को मृत्यु उपरांत नेत्रदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को नेत्रदान के विषय में प्रेरित करना। नेत्रदान महादान है। नेत्रदान के विषय में जागरूकता आवश्यक है। कॉर्निया को क्षति दृष्टिहीनता का एक बड़ा कारण है। किसी कारणवश यदि कॉर्निया को क्षति हो जाए तो व्यक्ति की दृष्टि आंशिक या पूर्ण रूप से जा सकती है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा शुरू हो गया है। ये 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। हर साल जो है 2 हफ्ते हमारे लिए, जो लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जितने लोग इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों के मृत्यु के बाद आँखों का या पुतली का दान किया है, और ऐसे संस्थाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनके लिए जो है ये दिन हमारे लिए उनको सम्मान देने के लिए होता है। हम चाहते हैं कि ये मुहिम जो है लोगों में जागरूकता लाए कि नेत्रदान एक अच्छा प्रक्रिया है, जिससे आदमी की रोशनी तो वापस आ ही जाती है, साथ में उसके परिवार में रोशनी होती है। कॉर्निया में क्षति के कई कारण हो सकते हैं। कॉर्निया में आघात, काम करते समय आंख में चोट लग जाना, सड़क दुर्घटना में आंख को क्षति, बच्चों को पेंसिल या तीर कमान से चोट लगना, रसायन आंख में चले जाना, चूना आंख में जाना, विटामिन ए की कमी, आंख में संक्रमण या फिर जन्मजात बीमारी की वजह से कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो सकता है। कॉर्निया में चोट या किसी बीमारी के कारण कॉर्निया को क्षति होने पर दृष्टिहीनता को ठीक किया जा सकता है। कॉर्नियल दृष्टिहीनता को ठीक करने के लिए व्यक्ति को एक स्वस्थ कॉर्निया की आवश्यकता होती है। नेत्रदान एक बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। हर आदमी जो है प्रतिज्ञा ले सकता है, और हर आदमी के मृत्यु के बाद जो है आँखों का डोनेशन हो सकता है। कोई भी आदमी या कोई भी परिवार ये चाहता है कि उनकी आँखों का डोनेशन हो जाए तो हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, तो उसका हमें जो है आदर करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर टिश्यू जो हम रिट्रीव करते हैं, हर कॉर्निया जो हम रिट्रीव करते हैं, उसको जो है यूज़ कर पाएँ ऑप्टिकल पर्पज़ के लिए या किसी और के लिए, लेकिन उसका जो है यूटिलाइजेशन ज़रूर हो जाता है। तो कुछ कॉर्निया जो अच्छे होते हैं तो मरीजों के ट्रांसप्लांटेशन में काम आते हैं, कुछ कॉर्निया थोड़े से ख़राब होते हैं तो आँखों को बचाने के काम में आते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया या इंजरी हो गई, वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। एक स्वस्थ कॉर्निया तभी मिल सकता है यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करे। नेत्रदान की प्रक्रिया सरल है। किसी भी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान की प्रतिज्ञा कर सकता है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही दान की गई आँखें ली जाती हैं। कॉर्निया को मृत्यु के 6 से 8 घंटे के अंदर निकाल लिया जाना चाहिए। आपके परिवार में आपके लिए कोई ना कोई आपके भलाई के लिए काम करता है, लेकिन ये ऐसा प्रोसेस है, उनके मृत्यु के बाद भी परिवार को एक ऐसा मौका मिलता है कि एक अच्छा काम हो जाए, तो क्यों ना हम सब आगे आएं कि हमारे प्रियजनों के मृत्यु के बाद उनके द्वारा जो काम होता है उससे हमारे परिवार को सद्भावना मिले। नेत्रदान से चेहरे पर कोई निशान या विकृति नहीं होती। दान की गई आँखों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता।
पंजीकृत नेत्रदाता बनने के लिए अपने नजदीकी नेत्र बैंक में संपर्क करना होता है। नेत्रदान की प्रतिज्ञा अवश्य लें। आपका नेत्रदान किसी के अंधेरे जीवन को रोशन कर सकता है, इसलिए नेत्रदान अवश्य करें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।